प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। पीएम मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वे रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। एक दिन पहले 11 मई को ही पीएम मोदी ने राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि वे पीएम का संबोधन जरूर देखें। अब सबके मन में सवाल है कि आखिर पीएम मोदी अपने संबोधन में क्या कहेंगे। ये भी सवाल है कि क्या लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 11 मई को हुई मीटिंग में बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित कई राज्यों ने आग्रह किया था कि लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए। हो सकता है कि पीएम मोदी राज्यों की राय से सहमति दिखाते हुए लॉकडाउन की अवधि में इजाफा करने की घोषणा कर दें। वैसे भी WHO की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संकट से उबरने के लिए कम से कम 10 सप्ताह के लॉकडाउन की जरूरत होगी। मीटिंग के दौरान बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों ने कहा था कि दूसरे प्रदेशों में जो मजदूर और कामगार हैं, उनको उनके राज्यों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए, रणनीति बदली जाए, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा राज्यों ने ये भी मांग की थी कि दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों के रोजगार और स्वास्थ्य की दिशा में काम करने के लिए केंद्र राज्यों की मदद करें। हो सकता है कि पीएम मोदी इसके लिए कोई बड़ा ऐलान कर दें। पीएम मोदी के साथ बैठक में कई राज्यों ने आर्थिक संकट का भी मसला उठाया था। कई राज्यों ने मांग की थी कि उन्हें कुछ विषयों में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने विशेष आर्थिक पैकेज के भी मांग की थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो इस संकट से उबरने में 90% संसाधनों के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी राज्यों को आर्थिक सहायता देने के बारे में कोई बड़ा ऐलान करें। हो सकता है कि पीएम मोदी देश की जनता से सीधे तौर पर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए कुछ जरूरी निर्देश और अपील कर सकते हैं। हालांकि अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बता दूं कि पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था। इस संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 24 मार्च को देश को संबोधित किया और 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फिर पीएम ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया था और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने दोबारा देश को संबोधित किया और लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था, जो कि फिलहाल जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए प्रभातखबर.com के YouTube चैनल के साथ। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।